ब्रिटेन में भी रेडसिमिर दवा का ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने कहा कि हम कोविड-19 के लिए मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाले हैं। कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया पर ये एक छोटा सा वायरस कहर बनकर टूट रहा है। इसकी वैक्सीन अब तक नहीं बन पाई है, कब तक बन पाएगी ये भी कहना जरा मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक ट्रायल में जुटे हुए हैं। कामयाबी अभी किसी को नहीं मिल पाई है, प्रयास जारी है। ब्रिटेन में अब सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अमेरिका और जापान इस दवा के सीमित इस्तेमाल को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। इसकी जानकारी देते हुए ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में ये सबसे बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कोविड-19 के मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला है। ब्रिटेन की एजेंसियों का मानना है कि इस दवा के इस्तेमाल और फायदे को लेकर पर्याप्त सबूत हैं और कुछ गिने चुने कोविड-19 अस्पतालों में इसके इस्तेमाल की इजाजत भी दी गई है। हालांकि अभी इस दवा की सप्लाई बड़ा मुद्दा है और इसकी उपलब्धता काफी कम है। हैंकॉक के मुताबिक फिलहाल ये केवल उन लोगों को दी जा सकती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल अमेरिका 1 मई को ही इस दवा को मंजूरी दे चुका है, लेकिन ब्रिटेन में इसे अब मंजूरी मिली है। कुछ रिसर्च सामने आए हैं कि ये एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के ठीक होने के समय को कम करती है। इस दवा का इस्तेमाल पहले इबोला के मरीजों पे भी हो चुका है, इसे गाइलिड साइंस नाम की कंपनी ने बनाया है। वहीं दूसरी ओर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों के लिए रेमडेसिविर कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। ये दवा सिर्फ कोरोना के बेहद गंभीर मरीज पर ही असर कर रही है। एक स्टडी के मुताबिक इस दवा के इस्तेमाल से मरीज 4 दिन पहले ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोरोना के मामले में इसे पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं कि कोरोना वायरस पर भी असरदार होगी या नहीं। आपको बता दें कि रेमडेसिविर दवा को ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ ही मरीजों को इंजेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के कोरोना मरीजों के इलाज पर प्रतिबंध लगा चुका है। इससे पहले कई देशों में इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, लेकिन WHO ने मंगलवार को इसे स्थायी तौर पर रोकने का फैसला लिया। हाल में साइंस जर्नल रेसेंट में छपी एक स्टडी में कहा गया कि कोरोना संक्रमितों के इलाज में जहां हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जा रही है, वहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर ब्रूस आइल्बर्ट के अनुसार रेमडेसिविर एकमात्र ऐसी दवा है जो कोरोना के मामलों में असरदार नजर आती है। इसका कोई प्रमाणित डाटा तो सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रायल शुरू हो गए हैं। इस दवा के कैसे परिणाम सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।